दादा, एक आजकल चर्चा में है हांसीमारा एयरपोर्ट को लेकर। यहाँ के माननीय सांसद जॉन बारला जी एक तरह का ये बात उठाए हैं, और साथ साथ में ये भी देखा जा रहा है कि टी गार्डन वर्कर्स जो जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध भी कर रहे हैं, क्या स्टैंड है? देखिए, मैं एक चीज़ क्लियरली बोलना चाहता हूँ। 2019 साल में अलीपुरद्वार लोकसभा केंद्र से माननीय सांसद 2,30,000 वोट से जीता। 2019 के बाद में माननीय सांसद अलीपुरद्वार जिला में 4 प्रशासनिक ब्लॉक है, 2 पौरसभा है, 66 ग्राम पंचायत है, 66 नंबर ऑफ ग्राम पंचायत है, एक जगह भी वो काम करने नहीं सके हैं। उसका इंटरेस्ट ही नहीं है काम करना, उसका काम है पूरा इंडिया घूमना। अभी माननीय सांसद भारत सरकार के मंत्री हो गए, इसका पहले रायडक रिवर के ऊपर ब्रिज बनाएंगे बोले थे, हम लोग फेसबुक पे ही देखे थे, वो भी मिनिस्टर का एक लेटर हम लोग फेसबुक पे देखे थे, अभी तक हुआ नहीं। इसका पहले बोले थे अलीपुरद्वार में मेडिकल कॉलेज बनेगा, वो भी हम लोग फेसबुक और मीडिया के मार्फत से ही देखे थे। इसका पहले बोले थे स्टेडियम बनेगा जिला पे, क्या वो बना? हम लोग अप्रिसिएट करते हैं, कोई भी डेवलपमेंट काम अगर हो उसको अप्रिसिएट करते हैं, एवं राज्य पूरा पूरी इसका इसके लिए सहायता करेगा। लेकिन हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं, जमीन अधिग्रहण व चाय बागान का एक जो मुद्दा है, वो जो बात बोल रहे हैं वो कहाँ का लोकेशन का बात बोल रहे हैं? मधु चाय बागान का जो बात बोल रहे हैं, मधु वहाँ से बहुत किलोमीटर दूर है, एवं राज्य इसका स्टेटमेंट देगा, क्योंकि जमीन राज्य का है कि नहीं? राज्य से कोई बात नहीं करके माननीय सांसद अपना फेसबुक में लाइव करके ये बात बोल रहे हैं। हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करेंगे हमारे बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बंदोपाध्याय को, ऑलरेडी प्रशासनिक तौर पे ये बात हो रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ओरिजिनली जो फैक्ट है वो सांसद खुल के बोले। सांसद तहबील में करीबन एक साल में 7 करोड़ रुपया आता है, एक भी ड्रेन नहीं बना ये जिला पे। अगर ड्रेन बना व रास्ता बना व पेयजल बना, सांसद बताए, वो अपने आप को बहुत बड़ा आदिवासी नेता बोलते हैं, लेकिन आज तक जो बेल्ट से आते हैं, मैं भी चाय बागान का हूँ, वो भी चाय बागान के हैं, चाय बागान के लिए सांसद ने कोई काम किया? डेवलपमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट किया है? उस चीज़ को समझना है। कल एक एग्रीमेंट हुआ चाय बागान के लिए, 8 जून 2022 माननीय मुख्यमंत्री अलीपुरद्वार जिला में आई थी, एवं उस दिन अनाउंसमेंट हुआ अलीपुरद्वार जिला में या जलपाईगुड़ी हो, पूरा चाय बागान के लिए 15% इंक्रीमेंट फॉर हर वेज, यानी कि चाय बागान का हाजिरी 202 रुपया था और 232 रुपया हुआ। चाय बागान का मजदूर जब तक मिनिमम वेज नहीं होता ये बेनिफिट पाएगा, वो भी कब से हुआ? 1 जनवरी 2022 से, यानी कि 5 महीना का एरियर उनका खाता पे, उनका हाथ पे जाएगा, और ये बेनिफिट माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। आज बोलिए, कल जो एग्रीमेंट हुआ स्टाफ, सब स्टाफ के लिए, जो लोग हमारी ग्रेड 3 में है, जो लोग टेक्निकली सब स्टाफ है, नया जो सब स्टाफ है, उनका वेज कितना बढ़ा? पे स्केल पे वेज बढ़ा, एक एक सब स्टाफ का मंथली रेटेड जो लोग है, 2,105.56 रुपया करके वो हमारी ग्रेड 3 का बढ़ा है। जो लोग नया क्लरिकल ग्रेड 3 का स्टाफ है, उन लोगों का वेतन में 4,113.96 रुपया करके बढ़ा, जो कल का नोटिफिकेशन है। कब से इफेक्ट होगा? 1 जनवरी 2022 से, यानी कि ये जुलाई महीना का 6 तारीख है। वेज बढ़ा कब से? जनवरी 1 तारीख है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 6 महीना का एरियर बढ़ती पैसा चाय बागान का कंपनी उनका हाथ पे देगा। ये एग्रीमेंट कौन किया? राज्य का सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री के उद्योग से, शर्म दफ्तर से हुआ है। ये अचीवमेंट नहीं है। आज बोलिए, वहाँ पे शर्म दफ्तर पे BTW जो चाय बागान रिलेटेड यूनियन है BJP का, उनका कुछ लीडर जो लोग माननीय सांसद के आदमी थे, वो लोग 2-3 जन साइन नहीं किए, लेकिन BTW का और कुछ मित्र वहाँ पे साइन करके आए हैं। ये किसके लिए काम है? ये राज्य सरकार प्रत्येक स्टेप को देख रही है। राज्य सरकार चाय बागान में बैठे हुए नागरिकों के लिए, चाय श्रमिकों के लिए चाय सुंदरी प्रकल्प का घोषणा किया है, जिसका एक बिल्डिंग का कॉस्टिंग 5,43,000 रुपया है, और वो बिल्डिंग में 10 डेसिमिल जगह मिलेगा, और वो बिल्डिंग चाय श्रमिकों को दिया जाएगा, और वो बिल्डिंग जब दिया जाएगा उनको जमीन का पट्टा भी दिया जाएगा। चाय बागान का मालिक, चाय बागान का मैनेजर वो बिल्डिंग से निकालने नहीं सकेगा। हम लोगों का डिमांड क्या था? मजदूरों को जमीन का पट्टा मिले, ये अधिकार माननीय मुख्यमंत्री चाय श्रमिकों को दे रहा है।
उनको अपना पुराना भिट्टा को छोड़ने के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन आज इस तरह का अगर कोई काम भारतीय जनता पार्टी का सांसद विधायक किया है तो प्रेस पे आके बोले, हम लोग देखेंगे। किंतु राज्य का माननीय मुख्यमंत्री बहुत काम कर रही है, यहाँ से ज़्यादा चाय बागान असम पे है, यहाँ से 3 गुना ज़्यादा चाय बागान है। असम का हाजिरी कितना है, कहीं पे 187 रुपया है, कहीं पे 202 रुपया, 205 रुपया है, लेकिन बंगाल का हाजिरी जनवरी 1 तारीख से 232 रुपया हो चुका है। हमारा सरकार मिनिमम वेज भी करेगी, लेकिन मिनिमम फ्लोर वेज डिक्लेयर करे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और केवल बंगाल पे नहीं, मिनिमम वेज अगर घोषणा हो तो राज्य वह बंगाल पे भी होगा, त्रिपुरा पे भी होगा, असम पे भी होगा, तमिलनाडु पे भी होगा, केरला पे भी होगा, लेकिन ये चीज़ को केंद्र करे, राज्य सरकार मिनिमम वेज करने के लिए उतारू है, आने वाला दिन राज्य सरकार मिनिमम वेज भी करेगी।